हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, क्या हाल चाल है आपके? आई होप मस्त होंगे गाइस। तो हमारे आज के प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नानक मत्ता खटीमा से गाइस, और हम है तरुण सर के साथ और नीरज सर के साथ, और हम है दोनों नीरज सर के साथ। नीरज नीरज है तरुण सर के साथ। हाँ, दोनों नीरज है तरुण सर के साथ, और हम आए हैं यहाँ पर नानक मत्ता घूमने के लिए गाइस, और घूम रहे हैं, डैम जा रहे हैं। अभी गर्मी हो रही है खतरनाक वाली गाइस, और यहाँ का मैं तुम्हें मौसम दिखाता हूँ और व्यू दिखाता हूँ गाइस यहाँ की रोड। और अभी यहाँ चल रही है लू, गर्म हवा, और हम जा रहे हैं ऊपर डैम। अब हमने यहाँ थोड़ी गाड़ी ऑफ रोडिंग में डाली, आगे वाले टायर में थोड़ा हवा कम है तो हमें थोड़ा संभल के चलानी पड़ेगी गाड़ी, जरूर लगना भाई। और यहाँ से हम करेंगे चढ़ाई का सामना अपनी रानी के साथ, धनु रानी के साथ। फर्स्ट रानी पड़ेगी फर्स्ट, ना सेकंड वे खींच लिया यार। ये है व्यू यहाँ से, अब वाओ पहुंच गए हम डैम में। यह है नानक मत्ता डैम गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ डैम में, और हवा चल रही है काफी तगड़ी वाली, और बहुत टाइम बाद हम तरुण सर से मिल रहे हैं यहाँ पर नानक मत्ता, और वो रही पीछे हमारी धनु रानी। क्यों तरुण सर, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं आप हमसे, हम भी बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं आपसे, आपके सारी यूट्यूब की फैमिली से। हाँ, और यूट्यूब की फैमिली को मिलाओ फिर इन वादियों से। और वादियाँ मिल रहे हैं हमारे यूट्यूब फैमिली से, और बाकी का खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, और चारों तरफ देख रहे हैं समंदर ही समंदर दिख रहा है, डैम ही डैम दिख रहा है पूरा गाइज। और आज है इलेक्शन, तो हमने छुट्टी भी थी, हमने कहा क्यों ना थोड़ा डैम घूम के आते हैं नानक मत्ता, तो हमने गाड़ी पकड़ी और आगे सीधे डैम घूमने के लिए गाइस। तो गाइस यहाँ पर है बोटिंग का, 200 रुपये पर पर्सन यहाँ बोटिंग का है गाइस, और वो है मोटर वाली बोट, मोटर 7-8 मिनट में ब्रेक ग्राउंड हो जाएगा। अभी तक जो डिस्क्रिप्शन मिला है भाईजान से वो ये मिला है कि एक राउंड करीबन 7-8 मिनट लगेगा, और उसका पेमेंट कर लेते हैं पहले। हाँ, एडवांस चल रहे हैं अरे यहाँ। तो गाइज आपको एंजॉय करवाते हैं यहाँ पे बढ़िया करके। हाँ, और घूमते हैं गाइज, और हवा देख सकते हैं आप कितनी तेज चल रही है, लगड़ी वाली हवा चल रही है। और टाइम दिखाता हूँ मैं आपको, टाइम और क्या, अभी 4:10। हाँ, इतना टाइम और का है, और बाकी आप खुद ही देख अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा चल रही है इस झंडों को देख के, इतनी हवा मेरे बाल को देख के, तो खतरनाक वाली हवा चल रही है यहाँ पर। वो भी लू चल रही है, ठंडी हवा नहीं चल रही, वो गर्म हवा चल रही है। और बाकी आप घूमते हैं बढ़िया करके, तरुण सर जल्दी फ़ोटो खींचते हैं यार, तुम्हारे बिना फ़ोटो अधूरी आ रही है, जल्दी आओ फोटो खींचते हैं पहले। हाँ, हमने पेमेंट कर दिया है यहाँ पर भैया को, पेमेंट की पर्ची दिखा दे, पेमेंट की पर्ची है ये। और हम जा रहे हैं अभी बोट की तरफ को धीरे धीरे करके गाइज। आप बताओ क्या कह रहे थे, फाइनली हम नानक मत्ता डैम पर पहुंच चुके हैं। फाइनली तरुण सर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर थोड़ा ठंडा, थोड़ा हल्का सा एक ठंडी सी हवा चल रही है यहाँ पर, जैसी हमने अपने कदम आगे को बढ़ाए वैसी हवा भी हमारी तरफ को ठंडी हवा अपनी कदम बढ़ा रही है गाइस। बस ज़्यादा हवा ना चले, बोट पलटे ना, और मोबाइल हमारा भीगे ना। और यहाँ पर फोटो वगैरह भी खींचे जाएंगे, बाकी मैं तो वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लूँगा गाइस। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जल्दी सब्सक्राइब कर दो बढ़िया करके, और बेल आइकन दबा लो, और आपको अच्छी मज़ेदार ब्लॉग दिखते रहेंगे गाइस हमारे चैनल में। और यहाँ पर हमारे नीरज भाई फ़ोटो खींच रहे हैं यहाँ पर, और पहले तो हम अभी यहाँ पर एंजॉय करते हैं गाइस फटाफट से करके, और बोटिंग कर रहे हैं हम नानक मत्ता में। आज आए तो हम बहुत बार हैं यहाँ, लेकिन बोटिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त वीडियो बनेगी, खतरनाक वाली जबरदस्त वीडियो बनेगी। तैरना तो आता है ना तुमको? ये
मेरे तो आता है। तो गाइस हमने अभी यहाँ पर पूरी सेफ्टी के साथ ये बांध लिया है और बाकी अब गाइस एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर तरुण भाई को यहाँ पर पहनाया जा रहा है अभी। क्या नाम है इनका? अप्रेन बोलते हैं। अप्रेन क्या बोलते हैं? अप्रेन भाई क्या बोलते हैं? सेफ्टी भाई, सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, सेफ्टी सबसे पहले है, बाकी तो होती रहेगा। और जिसको तैरना नहीं आता वो तो थोड़ा इसको पहना है, हमें तो तैरना भी आता है लेकिन फिर भी सेफ्टी। और कितने गहरा होगा नीरज भाई ये? जो नानी मतलब में फर्स्ट टाइम आ रहा है, उनसे क्या ही पूछू मैं, तो तुमसे क्या ही पूछू मैं। ये है बोट, ये है ऊपर सीढ़िया से हम आए नीचे, ये है पूरा नानमत्रा सागर डैम जितना बहुत बड़ा है, जहाँ देखो तुम्हें पूरा डैम पानी पानी दिखेगा। मतलब बनाया माहौल तो ये भी आ गए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों आए। बहुत पर्सनल बातें चल रही गाइस, मैं सारे रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक एक करके कंटेंट। कंटेंट रियल कंटेंट होगा पूरा, नो स्क्रिप्टेड, ऑल वीडियोज, ऑल कंटेंट ओरिजिनल। ये पूरा सेटअप हो रहा है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं। साथ निभाएंगे गा दो यार गाना, गा दो यार, तुम रील बनाएंगे तुम्हारा, खुश हो गए तुम, गाओ गाना बढ़िया करके, एंजॉय करो भाई, यही तो लाइफ है कि नीरज भाई। और यहाँ पर सेटअप हो चुका है फाइनली रेडी गाइस, और यहाँ ना छोटी छोटी मछलियाँ भी दिख रही हैं, बड़ी भी है। अभी बोट तैयार की जा रही है, रस्सी से खींची जा रही है बोट को, और यहाँ पर हम बैठेंगे इसमें अभी, और फिर भाग जाएंगे उधर को। हाँ ठीक हो गया, सब बनेगा। हिटो तरुण सर, हिटो हिटो, बैठो बैठो, अपने अपने नाव में बैठो, अपने अपने सीट सीट पे, अपने सीट पे बैठो। और यहाँ पर तरुण सर की एंट्री होते हुए यहाँ पर बड़े क्लैपिंग के साथ, और हमारे नीरज भाई की एंट्री होगी फिर। क्या जानना यार तुम तो दगड़ी हो, सब बैठ गए, हमारे ये दो आगे बैठे हैं, वेट के हिसाब से बैठ रहे हैं हम, ताकि नाव बैलेंस रहे, डिसबैलेंस ना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पूरा बढ़िया करके। क्यों सर, जय श्री राम, जय श्री राम। अब यहाँ पर मोटर स्टार्ट होते हुए फर्स्ट गियर लगेगा इसमें, अभी यहाँ पर मोबाइल पकड़ लेते हैं टाइट करके, कोई भरोसा नहीं है नहीं तो। हो गया फाइनली स्टार्ट, कैसा लग रहा है सर? अरे बहुत बढ़िया लग रहा है सर। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया नीरज भाई। तो काफी मजा आ रहा है गाइस, और अभी हम बोट में बैठे हैं, काफी मजा आ रहा है। बानी लगी चितुरे बरुली, बानी लगी चितुरे, बानी लगी चितुरे बरुली, बानी लगी चितुरे। काफी खूबसूरत,
परुली बानी लगी चितू रे, बानी लगी चितू रे, परुली बानी लगी चितू रे। कटी रात कटी बात तेरी मीठी मीठी दूध दगड़ भात जैसी, याद माँ तेरी परु दिन कटी रात कटी बात तेरी मीठी मीठी दूध दगड़ भात जैसी, मुख तेरो मी को लागो पूर्णिमा को चांद। अलग ही लेवल है, अलग ही लेवल, मजा आया। अरे वो आगे वाला टायर कहाँ गया? मुझे बहुत मजा आया तरुण सर, तो हमारा यहाँ पर ही समाप्त होता है। अब यहाँ से उतरते हैं गाइज, एक्सपीरियंस अभी बाहर जाके पूछते हैं कि को पकड़ पकड़ के कितनी पकड़ी नीरज भाई मछलियाँ, छोड़ा क्यों मगरमच्छ से खा गया मछली को। क्या हुआ? नीरज भाई तो कतई अलग ही लेवल का, वो एक्साइट दिख रहा है अंदर से। कैसा लगा फिर आपको? मेरे तो काफी मजा लगा, अच्छा आया। फर्स्ट टाइम बैठा ना बोर्ड में, मजा आया। मैं भी एडवेंचरस तो ऐसे बैठा वो भी यहाँ वाले में मजा आया मेरे को। तो अगली बार आएंगे। अभी वाटर स्पोर्ट्स अभी बाद में होंगे क्या भैया? कब से होगा स्टार्ट? कौन से मेरी बात? तो दीपावली के बाद से यहाँ सारे एक्टिविटी शुरू होंगी। फाइनली इसको उतारने का समय आ गया है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या है। यहाँ है जेट अटैक, स्पीड बोट और प्री वेडिंग। प्री वेडिंग तो हम नीरज भाई के उसमें आएंगे पक्का पक्का। और भाई जेट अटैक में आएंगे हम पीछे से। तो हमें फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, मेरे को तो बहुत मजा आया यार सच में। कैमरा ऑन रखो, यही चल रहे। बहुत मजा आया गाइस मेरे को। और ये पकड़ो तुम चाबी सर। मजा आया मेरे तो बहुत मजा आया, बहुत तकड़ा मजा। सारे अटैक कर दिए यहाँ आज। जो एक एक्सपीरियंस था ना मेरा फर्स्ट टाइम का, भाई काफी मजा आया, सही आया यार। मैं यहाँ पर बोटिंग, अगली बार जब आऊंगा ना यहाँ दोबारा से बोटिंग करूंगा। और पूरी वसूली है यार, फुल वसूली। उतना मजा आया तो मेरे को मोटर वाली में तो बहुत मजा आया। और अगली बार फिर आएंगे, फिर इंजॉय करेंगे गाइज। और अभी चलते हैं, आप कहाँ को चल रहे तरुण सर? आओ पगडंडी पे चलते हैं। जहाँ चलते हैं बस, हमारा क्या ब्लॉग ओपन ही रहेगा आज। बैठो चलो, सब दिखाया जाएगा। पूरा नानकमत्ता सागर डैम पूरा दिख रहा है जितना, वहाँ पर हमने बोटिंग करी थी। और ये है पूरी ऑफ रोडिंग। तो गाइज फाइनली आप वापस आ गए हैं मेन रोड में, वापस नानकमत्ता की तरफ को। हिटन को स्टाइल तेरो कसूरी मृग जैसी, कान की बाली माँ, होठों की लाली माँ, नाक की फूली माँ, हाथों की चूड़ी माँ, छुपे ते को लागो रे। जा रहे हैं गाइस गुरुद्वारे की तरफ को, लंगर वाले गुरुद्वारे की तरफ को। और चलते हैं, आपको दिखाएंगे गाइस। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी का फतेह, बोलो सस्त्रिया काल। जो बोले सोनिहार सस्त्रिया काल, जो बोले सोनिहार सस्त्रिया काल। तो गाइस अभी हम गुरुद्वारे में पहुंच चुके हैं और हमारे भी आगे से जा रही है गाड़ी। अब यहाँ ना मेला लगता है पूरा, हर महीने अमावस्या के दिन और दीपावली के दिन। और अभी हम गुरुद्वारे में पहुंच चुके हैं, सामने से है गुरुद्वारा, ये है सामने से गुरुद्वारा। जय महाकाल, महादेव। फाइनली पहुंच चुके हैं गाइस, ये है यहाँ पर गुरुद्वारा, काफी खूबसूरत। नीरज भाई तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, लेकिन हम तो कितनी बार आ चुके हैं यहाँ। तो हम बढ़िया सा ऑफ रोडिंग करके भी आ गए हैं, बोटिंग करके भी आ चुके हैं गुरुद्वारे में। और गाड़ी हमने पीछे पार्क कर दी वहाँ पे, और अभी हम हैं गुरुद्वारे में।
क्यों सर, चले अंदर। चलिए भाई। सुकून क्या होता है गाइस, यहाँ आके देखो, यहाँ मंदिर में बैठ के देखो, गुरुद्वारे में बैठ के देखो। क्यों तरुण सर, पता चल जाएगा इसलिए सुकून क्या है। आगे से दिखाता हूँ मैं आपको, देखो मछलियाँ। और यहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं गाइस, जो सुकून मिल रहा है ना यहाँ पर बैठ के, काफ़ी अलग ही लेवल का। तो मोबाइल करते हैं बंद, थोड़ा मस्त करके बैठते हैं यहाँ पे और बाहर जाके मिलेंगे आपको। आप तो गाइस, हमने फाइनली दर्शन वगैरह भी कर लिए हैं गुरुद्वारे में, अब निकलते हैं यहाँ से। बढ़िया घूमते घामते, पता नहीं कहाँ को जा रहे हैं, कोई पता नहीं है, घूमो फिरो बस। और जो सुकून मिला ना अंदर बैठ के भी, वाह अलग ही लेवल का था। एक यहाँ वाला सीन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इधर को बीच में पेड़ और राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पे। गाइस हमने आपको डैम भी दिखाया और गुरुद्वारे में दर्शन भी करवाए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ठोक देना गाइस, और सपोर्ट करना ऐसी है हमारी नीरू डायरी को। और बाकी की तगड़े हो, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और आपको मिलेंगे अगले से प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।